सावन का महीना पवन करे शोर शोर नहीं बाबा, शोर शोर। पवन करे शोर। जियारा रे झूम रे हसे जैसे बनमा नाचे मोर। सावन का माँ पापा मम्मी गाइए। पवन करे शोर, जियारा रे झूमे ऐसे जैसे बनवा नाचे मोर। हाय, नमस्कार, हमें दीपाली सहाय। और पापा मम्मी पिछले एक महीने से मुंबई में है और बहुत एंजॉय कर रहे हैं अपना ये ट्रिप। बहुत खुश हैं पापा मम्मी बिकॉज दे हैव बीन लॉक्ड इन द हाउस फॉर एवर। जिस दिन से आए हैं उस दिन से सिर्फ बारिश हो रही है। पापा मम्मी, आप लोग का क्या कहना है बम्बई के मौसम के बारे में? कुछ बहुत खराब मौसम में हम लोग बम्बई चले आए। इतनी बारिश। लेकिन अच्छी बात ये थी कि अगर बिहार में रहे होते तो इतनी गर्मी अच्छा, वहाँ भी जिंदा रहना मुश्किल था। हाँ, ये तो है। और यहाँ कम से कम ठंडक तो थी ना, कम से कम मौसम तो ठीक है। तो हम लोग का ये प्री प्लान्ड ट्रिप है। हम लोग ऐसा सोचे थे कि पापा मम्मी के साथ हम लोग बाहर घूमने जाएंगे, ऐश्वर्या निगम हमें बहुत अच्छी सी मूवी दिखाएंगे और अच्छा अच्छा खाना खिलाएंगे। और हम लोग, हमको, अब मेरा और मेरी मम्मी का एक चीज़ तो आप लोग को हम पहले ही बता चुके हैं, सबसे कॉमन ये है दैट वी लव ड्रेसिंग अप। हम लोग को सजना संवरना बहुत पसंद है। तो बाहर निकलने के लिए हम लोग के पास मौका होता है कि हम लोग खूब सुंदर से सजे। आज हम लोग जा रहे हैं रॉकी रानी की प्रेम कहानी। तो ये फिल्म मेरे लिए क्यों ज़रूरी है ये भी हम आप लोग को अभी बता देते हैं। बिकॉज मेरा जो पति है ऐश्वर्या निगम, वो भी इतना ही बेवकूफ है। तो ये जो कैरेक्टर है ना, हमको बहुत रियल, क्लोज टू रियल लगा। मेरी लाइफ में मेरा पति जो है ही इज वेरी अनअपोलोजेटिकली ओके अबाउट नॉट नोइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई लाइक दिस क्वालिटी। क्योंकि हमको हमेशा ऐसा लगता है जैसे कि यू नो आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, आई हैव टू नो एवरी थिंग। बट जब ऐश्वर्या से हम मिले तो हमको समझ आया नहीं, इट्स ओके टू नॉट नो एवरी थिंग। आप सब चीज़ के ज्ञाता तो नहीं हो सकते। तो ये एक अच्छी क्वालिटी लगी। और ये फिल्म देख के, प्रोमो देख के, हमको ये आदमी भी उतना ही कॉन्फिडेंट, ये जो कैरेक्टर है रणवीर सिंह का, रिकी है ना, रॉकी, वो भी हमको उतना ही कॉन्फिडेंट लगा। सो आई एम गोइंग टू वॉच दिस फिल्म। पापा मम्मी हम ऐश्वर्य वी हैव अ मूवी डेट टुगेदर। और फिर हम लोग सावन के महीने में, क्योंकि हमारा नॉनवेज नहीं चल रहा है, तो विल हैव समथिंग नाइस फूड कोर्ट में ही खाएंगे और हम आपको मूवी का रिव्यू बताएंगे। फॉलो मी एंड हियर वी आर। ये है इन्फिनिटी मॉल की एंट्री। रॉकी रानी, हाय रॉकी, रियल लाइफ रॉकी। चलिए आज हम लोग आपकी कहानी देखेंगे हैं। ये जो है ना, ये है मोक्टू मोमो। इन्फिनिटी मलाड में जो लोग आते हैं उनको पता होगा, ये मेरा बहुत, मेरा और ऐश्वर्य का, दोनों का बहुत फेवरेट है। कैसा है पापा मोमोज? Fantastic. अच्छा ना? बहुत टेस्टी। अच्छा ना मम्मी? बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा आइडिया रहा। हाँ, कैसे है अभी? पनीर मोमोज की बात ही अलग है। दिवाली छोड़ दो। तो हम लोग का खाना हो गया, हम लोग भरपेट खाए। और हम इसलिए नहीं बता रहे हम लोग क्या खाए क्योंकि आजकल यार पता है कुछ भी बोलो, किसी भी ब्रांड का नाम बोलो तो वो कॉपीराइट इशू आ जाता है, कॉपीराइट इशू आ जाता है। इसलिए जो भी खाए, बर्गर खाए और बहुत ही स्वादिष्ट बर्गर। एंड नाउ द मूवी। हाँ मम्मी बताइए, आप क्यों ये फिल्म देखने जा रही है, आपका चार्म क्या है इसमें? चार्म है तो मुझे आलिया भट्ट बहुत पसंद है। ऐश्वर्या तुम ये फिल्म क्यों देखने जा रही हो? तो मेरी बायोग्राफी है। ओह अच्छा, पापा आप ये फिल्म क्यों देखने जा रहे? इसलिए कि तुम लोग देखने जा रहे हो। Say their leggings tear while stretching during workouts. For activewear that's long lasting.
Switch to Bliss Club and take our 100-day trial. Shop Are you ready to sleep? At blissclub.com. खाए पिए खिसके और ट्रेलर के नाम पे तब से सिर्फ एड्स दिखा रहे गायब पुट योर फोन ऑन साइलेंट इंटरवल पे मिलते हैं ऐश्वर्य निगम अभी जस्ट इंटरमिशन हुआ है क्या कहना चाहते हैं आप जरा जोर से कहें अब खुद को पर्दे पर देखकर बहुत कमाल लग रहा है क्या मम्मी हमको तो आलिया भट्ट बार-बार दीपाली की तरह लगती है अच्छा बाय द वे हमको ऐसा लगा था कि सिर्फ रॉकी जो है वो ऐश्वर्य जैसा है पर नहीं ये जो रानी है मेरे जैसे व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट रणवीर सिंह Ranveer Singh is an actor. He's incredible. ये तो story, ये actually story मेरी तुम्हारी है. अच्छा लग रहा देखकर. Audience को हम लोग reveal नहीं करेंगे. जो लोग देखने वाले उनको पता नहीं चलेगा. यहाँ पे जूता मुझे खुल रहा है वापस से. कोई पसरने की तैयारी. अभी मैंने order किया है एक mosquito net और मैं जा रहा हूँ. एक कंबल और झुमका. मीठी तरकीब मूवी स्टार्टेड बाय हाय 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 तो मूवी खत्म हो गई मूवी खत्म होने के बाद हम लोग को कुछ कुछ काम था इसकी वजह से हम बिल्कुल ही शूट नहीं कर पाए नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एक्चुअली आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी मॉल में बहुत बहुत ज़्यादा शाम होती तो ऐसा लगा लोग एकदम फट पड़े मॉल में बट एनी वे आई जस्ट वॉन्टेड टू कंक्लूड द व्लॉग क्योंकि शूट शुरू कर दिए थे अब इतना थक गए रास्ते में हम लोग को इतना टाइम लगा ट्रैफिक बहुत मिल गया बट एनी वे ये फिल्म देखने के बाद आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव माई रिव्यू या जो कह लो ऑडियंस ओपिनियन सबसे पहले तो हम रणवीर सिंह के फिर से फैन हो गए रणवीर सिंह इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड मतलब एकदम भगवान एकदम रणवीर सिंह के अंदर कला कूट कूट के भरे हुए हैं ये रॉकी और रानी की प्रेम कहानी भी हमको उतनी ही स्मार्ट लगी जितनी कभी खुशी कभी गम अपने टाइम पे आई थी और जो स्मार्टनेस थी उस फिल्म में कि उस जनरेशन के नब्स को पकड़ के कहानी को बताना और इतने बड़े बड़े इश्यूज़ को इतनी खूबसूरती से करण जौहर ने एड्रेस किया है डायरेक्टर ने राइटर्स ने रेसिज्म सेक्सिज्म जेंडर बायस इक्वालिटी और ये इस तरह के जो बड़े बड़े ऐसे हैवी हैवी शब्द होते हैं ना ऐसा लगता है कि बाप रे इसका क्या मतलब है समझना मुश्किल है बट करण जौहर इज रियली डन इट वेल विद पैकेजिंग इट विद फुल ऑन एंटरटेनमेंट एंड बहुत छोटी छोटी तरीके से बहुत बड़ी बड़ी बातें डील करी बहुत बारीकी से बहुत अच्छा लगा हमको सब लोग बहुत थक गए हैं इसलिए कोई भी अभी मेरे शॉट में नहीं आएगा हम इकलौते हैं जो आप लोगों को यहाँ पे धन्यवाद करने बैठे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू अगेन सून